हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, थंबनेल कैसा लगा? अच्छा लगा होगा ना? तो आप भी जानना चाहते हैं रियलिटी कि वाकई जो है जोमेटो में 40 से 45,000 रुपया या फिर 50,000 रुपया कमाया जा सकता है या फिर नहीं। आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे एड कैंपेन चलती है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे हो या फिर थर्ड पार्टी ऐप्स पे हो, जॉब का वेबसाइट में हो, तो इस तरह का आपको बातें मतलब बोलते हैं कि आप जोमेटो ज्वाइन करेंगे तो 40 से 45,000 रुपया 50,000 रुपया आप महीने का कमा सकते हैं। क्या वाकई सारी चीजें झूठ है या फिर सच है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, यहां पे आपको सारे चीजें पता चलने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, मेरा नाम है एसके दास और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह द यूनिक एम्प्लॉई। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पूरा एंड तक देखने के बाद अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह का हेल्पफुल वीडियोस आपको इसी चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। ये जो गाइस 40 से 45,000 रुपया कमाने की जो बात आती है ना, अगर कुछ लोग कमा भी लेते हैं या फिर मान लीजिए आपको भी कमाना है, तो उसके लिए आपको कितना घंटा लॉगिन रहना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बाद कितना आपका खर्चा आने वाली है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सारे चीज़ों को हमने ब्रेक किया है और ब्रेक करके बहुत सारे पॉइंट्स बनाया है, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नंबर वन पॉइंट है मिनिमम पे आउट। अब देखिए, मिनिमम पे आउट आपको कितना मिलेगा जोमेटो में? मिनिमम क्या है कि जोमेटो में 18 से 20 रुपया मिल जाता है और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भी मिलता है, कभी कभार 200-250 इस तरह से आपको मैक्सिमम मिल भी जाता है। तो अर्निंग जो है पर ऑर्डर के हिसाब से आपको 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया और 200 रुपया 250 रुपया इस तरह से आपको पर ऑर्डर का अर्निंग हो जाता है। अब देखिए गाइस, ये जो 40,000 45,000 या फिर 50,000 जो अर्निंग होती है ना महीने का, वो आपको एक एक चीज़ मतलब एक एक जो ऑर्डर होता है ना, चाहे वो 20 रुपया हो 30 रुपया हो 40 रुपया हो 200 रुपया हो, इस तरह का सारे ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद ही आपका इतना अर्निंग बन सकता है। तो गाइस, इसीलिए मैं सारे पॉइंट्स को ब्रेक करके आपको बता रहा हूँ। और गाइस, ये जो 40 और 45,000 का माइलस्टोन अगर आप महीने में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो नहीं होगा गाइस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ऑफर रहता है, जो टारगेट रहता है, वो सारे चीज़ें भी आपको साथ में मतलब पूरा करना पड़ता है। तो गाइस, अगर आप ऑफर्स या फिर जो ऑर्डर टारगेट होती है ना, वो अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो जो माइलस्टोन है 40 या फिर 45,000 का, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मतलब हार्डवर्क बन जाती है। हमारा अगला पॉइंट है लॉगिन आवर्स। अगर आपको इतना कमाना है तो आपको कितने घंटा लॉगिन रहना पड़ेगा? लॉगिन रहने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, अभी देखिए, एक दिन कितना दिन? सिर्फ और सिर्फ एक दिन अगर आप डेली का धूप में काम करेंगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि जो अर्निंग होता है वो कितना मेहनत करके अर्निंग किया जाता है। लाइक डेली में अगर आप 14 घंटा 12 घंटा लॉगिन रहेंगे ना, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, मेरे को बोलने का भी ज़रूरत नहीं होगा। उसके अलावा मुंबई के धूप में अगर आप एक दिन काम कर लेते हैं ना, तब जाके आपको पूरा रियलिटी अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं लॉगिन आवर्स की, तो बातों बातों में मैंने तो बोल ही दिया है कि कितना घंटा आपको लॉगिन रहना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको इतना माइलस्टोन कंप्लीट करना है मंथली, तो मिनिमम जो है आप 13 से 14-15 घंटा लॉगिन रहना पड़ेगा, हर दिन रहना पड़ेगा। बस इतना ही नहीं, आपको क्या है कि वीकेंड में भी आपको ज़्यादा लॉगिन रहना पड़ेगा, लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे इस तरह का जो 3 दिन होती है ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आपको लॉगिन रहना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मैं 13-14 घंटा तो बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभार इससे भी ज़्यादा लॉगिन रहने का ज़रूरत होता है, तब जाके ये जो 40 या फिर 45,000 रुपया का जो टारगेट जो लोग बोलते हैं ना, वो मतलब पूरा करने में बहुत ज़्यादा लोग सक्सेस हो जाते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि मैं 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करूँगा या फिर 12 घंटा ड्यूटी करूँगा और जो मेरा अर्निंग होगा वो 40 से 50,000 रुपया हो जाएंगे, लेकिन ये जो रियलिटी है ना, ये बहुत ही हार्डवर्किंग रियलिटी है गाइस। 40 से 50,000 रुपया कमाना, अगर आप 8-10 घंटा काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी इतना माइलस्टोन आपको कंप्लीट करने में। और ये जो गाइस पहला पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि पर ऑर्डर का 20-30 रुपया से शुरू होकर मतलब 200-250 रुपया आप कमाते हैं ना, वो सारे चीज़ें तो आपकी अर्निंग में ऐड हो ही जाता है, लेकिन अर्निंग में और भी बहुत सारे चीज़ ऐड होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला ऑफर टारगेट वगैरह हो जाता है, इंसेंटिव वगैरह हो जाता है, उसके अलावा उसमें गिग बोनस भी रहता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर भी रहता है। अगर आप दूर जाते हैं वहाँ से अगर आप रिटर्न आते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे चीज़ें ऐड करते हैं कंपनी। तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर क्या होता है अगर आप लोग को मालूम नहीं है, तो इस जोमेटो का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी वीडियो है, गिग बोनस के बारे में भी वीडियो है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा।
चलिए कुछ पल के लिए हम मान लेते हैं कि आप जो है 40 से 45 हज़ार रुपया आप महीने का कमा लेंगे। आइए आप जो है ये माइलस्टोन आप पूरा कर लेंगे जो मैंने आपको बताया, लॉगिन आवर्स इतना रहेंगे, या फिर मान लीजिए ये भी आपने कंप्लीट कर लिया लॉगिन आवर्स, या फिर एक्स्ट्रा अर्निंग भी आपने कंप्लीट कर लिया, ऑर्डर टारगेट भी आपने कंप्लीट कर दिया और 40 से 45 हज़ार 50 रुपया आपने महीने का कमा लिया, मान लीजिए कमा लिया। लेकिन उसमें कॉस्ट क्या आएगा भाई, कॉस्ट क्या आएगा, आपका खर्चा भी तो होने वाली है ना, तो खर्चा वर्चा मिला के उसके बाद आपका जो नेट अर्निंग होगा वो आपके हाथ में कितना आ सकता है उसका एस्टिमेटेड हम देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपने 50 हज़ार रुपया, मान लीजिए आपने 45 हज़ार रुपया कमा लिया, तो रियलिटी में आपके हाथ में कितना बचने वाला है एस्टिमेटेड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका सारे चीज़ें आता है, यहाँ पे आपका पेट्रोल कॉस्ट भी आ जाता है, यहाँ पे आपका लंच का पैसा भी आ जाता है, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा मतलब चाय पानी तो आप पियेंगे ना भाई, पूरा दिन सूखा रहेगा, अगर आप काम करेंगे तो कुछ बस कुछ दिन में कुछ महीना आप कर पाएंगे, उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर फ़ायदा ही क्या है। तो इन सारे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए खुद को भी तो चार्ज करना पड़ेगा, खुद को अगर चार्ज करना चाहेंगे तो आपको लंच खाना तो पड़ेगा, खाना आप चाहे घर से लाओ या फिर बाहर से खाओ, दोनों में से कोई तो आपको खाना पड़ेगा, या फिर बीच बीच में आपको जूस वगैरह हो गया, फ्रूट वगैरह हो गया, इस तरह का खाना तो आपको पड़ेगा, नहीं तो फिर आप बहुत जल्दी कमाने के चक्कर में, समझ गए ना। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट में क्या है, पेट्रोल कॉस्ट आ जाता है, रेंटल व्हीकल कॉस्ट आ जाता है। अगर आपका खुद का व्हीकल है तो उसमें आपका पेट्रोल कॉस्ट तो आने वाली है, तो आप 40-45 हज़ार रुपया कमाते हैं तो मतलब कभी कभार मतलब ये गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, बाइक के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभार 10-15 हज़ार 16 हज़ार रुपया भी आपका पेट्रोल कॉस्ट आ सकते हैं एस्टिमेटेड। और अगर आपका रेंटल है, रेंटल व्हीकल है, अगर आपका ईवी है या फिर पेट्रोल कॉस्ट का पेट्रोल का बाइक अगर रेंटल पर लेते हैं तो मिनिमम रेंट 4,000 साढ़े 4,000 रुपया 5,000 रुपया जो है आपका रेंट पे जाने वाली है। तो गाइस ये जो कॉस्ट है ना ये भी आपका ओवरऑल जितना भी अर्निंग होता है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आराम से कैलकुलेटर मतलब लेके बैठिएगा और हिसाब करके देख लीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट का। अब देखिए गाइस अगर आप 14 घंटा गाड़ी चलाएंगे तो उसका भी तो मतलब उसको भी तो चलाना पड़ेगा ना, उसको चलाने के लिए उसका खाना भी तो देना पड़ेगा ना। 14 घंटा अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी का क्या हालत होगा, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर मंथली आपका मेंटेनेंस कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 3,000 भी आए ना, तो वो चीज़ें भी आपका जो ओवरऑल अर्निंग है वहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा। देखिए अगर आप 14 घंटा लॉगिन रहते हैं और इतना आप भगाते हैं ना गाड़ी, तो मान लीजिए अगर आपका पेट्रोल का बाइक है तो वहाँ पर मतलब 2-3 बार तो आपको इंजन ऑयल ही चेंज करना पड़ेगा। चलिए हमारा अगला पॉइंट है पेनल्टी या फिर डिडक्शन। अब देखिए कई बार ऐसा मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए काम करते हैं ना, कभी कभार पेनल्टी भी लग जाता है। पेनल्टी क्या है, मान लीजिए फूड नॉट डिलीवर्ड हो गया, या फिर मान लीजिए किसी भी तरह का मतलब कैंसलेशन हो गया, उसमें भी कभी कभार राइडर लोगों को ना पेनल्टी लगता है। अगर पेनल्टी लगता है वो भी आपका ओवरऑल जितना अर्निंग होता है ना उसमें से ही माइनस होगा, तो ये चीज़ भी आपको ऐड करना पड़ेगा। हेल्थ मेंटेनेंस, अब देखिए गाइस अगर आप 14-15 घंटा 13 घंटा लॉगिन रहेंगे तो हेल्थ का तो मतलब धजिया तो उड़ेगा ही, तो उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अगर आपका हेल्थ ख़राब हो जाता है किसी महीने में, मैं आपको बोलता हूँ कि भगवान करे आपका हेल्थ कभी ख़राब ना हो, लेकिन कभी कभार अगर ख़राब हो जाता है तो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा भाई। एक बार अगर अच्छा डॉक्टर को विजिट किया है ना तो कंसल्टेंट फीस तो आपको 600-700 रुपया लगने वाली है, मेडिसिन का अलग। और गाइस लास्ट में और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। अब देखिए गाइस लास्ट का हमारा पॉइंट है एसेट। एसेट में आपका कितना खर्चा आने वाले हैं, एसेट में बताया क्या है कि आपका मोबाइल का कॉस्ट आने वाली है, आपका मोबाइल बैटरी का कॉस्ट आने वाली है। अगर आप इतना घंटा काम करते हैं तो साथ में उसको चार्ज करने के लिए और एक पावर बैंक बैटरी तो लगाना पड़ेगा ना भाई। अगर आप 14 घंटा लॉगिन रह रहे हो तो आपका मोबाइल कभी कभार अगर आपका मोबाइल पर बहुत ज़्यादा एमएच है, बैटरी का बैटरी बहुत अच्छा है, फिर भी आपके साथ में एक पावर बैंक हमेशा मतलब एक पीए की तरह आपको रखना पड़ेगा पावर बैंक, तो इसका जो कॉस्ट आएगा वो भी आपको मंथली कॉस्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारे रियलिटी आप लोगों के सामने रख दिया है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप 40 से 45 हज़ार रुपया कमाते हैं तो उसमें आपका कितना बचत हो जाएंगे, और ये जो गाइस 40 से 45 हज़ार रुपया का जो कमाने का बात होती है ना वो कुछ परसेंटेज और पार्टनर से कमाते हैं, लाइक 4-5% लोग ही कमा पाते हैं, सब लोग थोड़ी ना कमा पाते हैं गाइस 40 से 45 हज़ार रुपया। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी पूछना चाहते हैं वीडियो में, कुछ छूट गया हो, कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, पूरा कमेंट बॉक्स खाली रहता है, वहाँ पे भर भर के कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।